めちゃくちゃのネタをペラポンって発言と。इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से इस सदस्य के तौर पर है जो
इतनी मुजर्रद दुआ है, दुआ है कि जो भी इंसान अपने हक में, अपने बच्चों के हक में दुआ मांगेगा, इंशाल्लाह वो दुआ मुस्तजाब होगी। अब मैं बसर अदब दरखास्त गुजार हूँ आले जनाब के बाबा हजरत इस्लाम मौलाना सैयद कौसर मुस्तफा साहब की खिदमत में कि मिंबर पर तशरीफ लाए और मजलिस को खिताब फरमाए। आप अल्लाह से गुजारिश है बाबा ने बुलंद नारे सलवात पढ़े। दरमियान एक पिस्ता लगा हुआ है जो हजरात लेना चाहें वहां से दस्तियाब है, ले सकते हैं। नारे सलवात जाए। और पता है आपने, यदि अगर अलिफ लाम में तारीखी आ जाए, अलिफ लाम में तबराती आ जाए,
مسلمانوں کے نبی نہیں، یہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، یہ عالمین کے
इसलिए इनको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, और जब आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा तो यही करो कि एक जुमला आपके खिदमत में और एक पैगाम आपके खिदमत में, इसलिए कि इस साल कमेटी के दावत नाम को लेकर बेहद खुशी हुई। कमेटी ने कहा, दावत नाम ने लिखा कि इलाही बना दी, और खास तौर से मराठे क्राम की जो तौहीद की लाई है उनके बारे में जोर दिया जाए, उसको जमीन बताया जाए, जो मजमा इतनी दूर से पैसे खर्च करके वक्त खर्च करके यहाँ आए, जहां से खाली हाथ वापस न जाए बल्कि दीन लेके जाए, उसको दीन लेके जाए, काम दीन लेके जाए। इसे कहा मैं कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज करना जरूरी समझता हूं। क्या आने वाले मराठे ग्राम की अजमत को समझ के जाए, जब हम मराठे ग्राम को समझेंगे तभी आयुर्मन वास्तवीन की अजमत से वापस का होंगे। इसलिए कि मराठे को ऐसा नहीं कि जो ही बना कर दिया गया, नहीं, एक मुनज्जम सिस्टम है, एक सिलसिला है, और एक लॉजिक पॉइंट पेश करके बहुत तेजी के साथ आपको आगे बढ़ूंगा। आप जानते हैं कि दुनिया के हर शोबे में एक एक्सपर्ट हुआ करता है, एक तजर्बेदार हुआ करता है, एक माहिर होता है, एक मुखस्सिस हुआ करता है। आपने अपना मकान बनवाया तो मकान बनाने के लिए क्या फरिश्ते आए थे, मकान बनाने के लिए क्या जिन्नात आए थे, मकान बनाने के लिए चीन के अफराद आए थे, अमेरिकन अफराद आए थे? नहीं, हमारे शहर में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, हम जैसा हर इंसान ही था कि जो मकान बना रहा था बहुत अच्छा मकान बनाया, तो क्या वो मकान हम नहीं बना सकते? नहीं, बना तो सकते हैं, लेकिन मिस्त्री एक्सपर्ट हुआ करता है। अच्छा, जब मिस्त्री एक्सपर्ट है तो आपने उससे बेहतरीन शानदार मकान बनाया, जब शादी का मौका दिया तो कोई इंसान जाके उससे ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छा मकान बनाया था जनाबे वाला, हमारे यहाँ खाना भी आप ही बनाइएगा। कोई अच्छा मकान बनाया था उसी से खाना बनवाइए, जब खाने बनाने वाले से आप कहिए कि हाँ आपने बड़ा लजीज शानदार खाना बनाया था, लिहाजा मिठाई भी आप ही बनाइए। नहीं अजी, तो हर चीज का एक डिपार्टमेंट है, हर चीज का एक शोभा है। लोहार के पास कभी आप आती नहीं कहते कि आपने हमारे मकान का दरवाजा लोहे का दरवाजा बहुत शानदार बनाया था, लिहाजा फर्नीचर भी आप ही बनाएंगे। किसी फर्नीचर वाले से जाके आप ये नहीं कहते कि आपने बहुत शानदार फर्नीचर बनाया था, हमारी घड़ी भी आप ही बना के दीजिए, घड़ी खराब हो जाए तो मोबाइल वाले के पास नहीं जाते, मोबाइल खराब हो जाए तो टेलीविजन सही करने वाले के पास नहीं जाते, टीवी खराब हो जाए तो फ्रिज सही करने वाले के पास नहीं जाते। अरे भी आखिर मसला क्या है कि फ्रिज सही करने वाला टीवी सही नहीं कर सकता, या टीवी वाला मोबाइल सही नहीं कर सकता, या मोबाइल वाला घड़ी सही नहीं कर सकता? यदि दुनिया के एक एक शुभ को अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो चार दिन गुजर जाएंगे लेकिन दुनिया की चीजें खत्म ना होगी। सिर्फ तकलीफ दहली के लिए इतना ही काफी है कि हर चीज के लिए उसका एक एक्सपर्ट होता है, उसका एक माहिर होता है, उसका एक मुहदीस होता है। घड़ी सही करानी है तो वाच मेकर के पास जाना होता है, फ्रिज सही कराना है तो फ्रिज वाले के पास जाना होता है, मोबाइल सही कराना है तो मोबाइल वाले के पास जाना होता है। लेकिन सिर्फ दलील ये है कि हम यहाँ तक तो समझते हैं कि हर चीज के लिए एक उसका खास डिपार्टमेंट मौजूद है, मगर शरीयत मोहम्मदी इतनी मजबूत है कि शरीयत मोहम्मदी के लिए हर इंसान मुहदीस बना हुआ है, माहिर बना हुआ है। जिस अंदाज से दुनिया में हर शोबे के लिए एक माहिर होता है, बिल्कुल इसी अंदाज से दीन इस्लाम के शोबे के लिए भी एक माहिर है, जिसे मर्दा कहा जाता है, जिसे मुकल्लब कहा जाता है, जिसे तब्दील करने वाले को मुकल्लब कहते हैं। क्या ही बेहतर हो कि जब हम दुनिया के हर काम के लिए एक मुहदीस के पास जाते हैं, एक माहिर के पास जाते हैं, तो दीन को समझने के लिए भी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए कि जो मर्जा हो, जो मुकल्लब हो, जो मुस्तहिद हो, जो इसलिए कि दीन कभी समझ में आएगा जब हम किसी माहिर से हासिल करेंगे, जब किसी मुहदीस से हासिल करेंगे मर्जा चाहते हैं। ये सिलसिला था, और मैं अर्जी कर रहा था कि नबी आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजे। इस जुमले को जहन में रखेगा, इस आयत को जहन में रखेगा कि आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा जाने वाला नबी। और हमारे यहां माशरा क्या है, हमारे
ولادت ہوتی ہے تو پوچھنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ ولادت کس کی ہوئی؟ اگر کہہ دیا گیا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دینے والا بھی بڑا زور سے مبارکباد دیتا ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو جیسے مبارکباد دینے والے کوئی بڑی جھوٹی آواز مبارکباد دیتی ہے، آہستہ سے مبارک، آخر یہ قصہ کیا ہے؟ اگر لڑکی کی بلا ایک مزاج بتا رہا ہوں، اور ہر جگہ کا مزاج ہے، ایک جگہ کا نہیں، ہر جگہ کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر لڑکی کی ولادت ہو جائے تو پھر اتنی خوشیاں نہیں ہوتی، لڑکی چھاری کام کیا جائے، آئی میں معصومی سے معلوم کیا جائے کہ لڑکی اور لڑکی میں فرق کیا ہے، یہ لفظوں کو بدل کے ممبر رسول صاحب کر رہا ہوں، شریعت بتائے، آئی میں معصومی بتائے کہ لڑکی Thank you.
ये मजबूरी इसलिए है कि मौला अली कहना छोड़ दिया, इसलिए मौला अली अल्लाह का कहना पर था। अगर मौला अली का फेस बना दिया जाए और मौला अली को याद किया जाए तो न कोई मौला कहने का मौका आएगा, न किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने का मौका आएगा। लेकिन जिसने कुरान करीम के
से बन रही थी कि अपने चचा से उनके आखिरी वक्त में कहा कि चचा ही मान ले आएगी। ये बात है, जब पहली मतलब मैंने सुनाया तो पढ़ा तो मुझे अफसोस तो हुआ लेकिन उसके बाद हंसी भी आई। इसलिए कि रवायत में लफ्ज यह है कि नबी ने अपने चचा से उनके आखिरी वक्त में उनके कान में कहा कि चचा ही मान ले, और इस कान ने रवायत की जान निकाल दी। अगर ये कान गलत न होता तो शायद रवायत में जान पड़ जाती, लेकिन इस कान ने रवायत की जान निकाल दी। इसलिए कि मेरी समझ में नहीं आता कि जिस बात को नबी अपने चचा के कान में कह रहे थे उसे सुना किसने। भाई नबी तो अपने चचा के कान में कोई बात कह रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, जिसके कान इतने बड़े बड़े थे। हाथी के कान तो सुनाई बड़े होते हैं देखे, लेकिन मुसलमानों के कान उस वक्त इतने बड़े बड़े कहां से हो गए कि नबी तो अपने चचा के कान में कह रहे हैं, सारा मुसलमान उस बात को सुन रहा है। ये सब चला गया। और देखिए तरक्की आपका दौर, उसको मैं बाद में बयान करूंगा, लेकिन शरीयत का एक मसला आपके सामने बात कर दूं कि यहां पर उलमाए किराम भी मेरी तारीफ करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगर मैं गलत कहूंगा तो टोक के बताएंगे कि आपने गलत कहा। शरीयत हुक्म ये देती है कि अगर कोई रात की बात कहे तो रात को फाश करना गुनाह। भाई मैं अब रोजे हाजिर हुआ, अगर तक तो गुलाब का दौर खत्म हो गया, मोबाइल का दौर, और दहने रात को मोबाइल के लिए एक मिसाइल आपके सामने बात करूंगा। किसी साहब ने खत लिखा तो
लेकिन टू इन वन टेलीकार्ड और रेडियो का जमाना शुरू हुआ। पहले टेप अलग आते थे, रेडियो अलग आते थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया उसे, हो गया टू इन वन। एक ही चीज लेके आइए बता तो वही रेडियो भी है, वही आपका टेलीकार्ड भी। लेकिन आज जमाने ने इतनी तरक्की कर ली कि थ्री इन वन कहना गलत है, फोर इन वन कहना गलत है, फाइव इन वन कहना गलत है, थाउजेंड इन वन कहना गलत। बल्कि आज का जमाना तो यह है कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना हो कि ऑल इन वन सब कथब एक चीज में चिमट के आ गया। भाई जिसे कहते हैं मोबाइल, आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं गांव में एक बजे पढ़ने के लिए अखबार पढ़ने के लिए पहुंचा, मैंने देखा कि एक डिब्बा रखा हुआ है। मैंने बुजुर्गवार ये क्या है, मैं तो माना इसे टेलीफोन कहते हैं। मैंने क्या काम है इसका, क्या मैसेज करने का जरिया। अगर आपको अपनी बात दिल्ली पहुंचानी है, किसी और जगह बात पहुंचानी है, कोई बटन दबाइए आपकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर तो जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली। मैंने कहा इसमें टाइम देख के बताइए क्या कर दिया। बुजुर्गवार ने कहा मैंने आपसे कहा था टेलीफोन है सिर्फ टाइम देखना है, मैं बहुत खराब कर लूंगा इसमें देखी टाइम। बोले आपकी मुल्ला की दौड़ मस्जिद वाली के साथ शादी करती है आपके ऊपर, आपको जानते नहीं। अरे भी ये सिर्फ टेलीफोन है, टेलीफोन अगर ऐलान फिर करना है तो उसके लिए एक अलग से डिब्बा है। उसके बाद फिर जहन में भूल हुई, मैंने कहा जनाबे वाले ऐसा है कि ये मई का महीना चल रहा है, जून की 12 तारीख को मुझे बरेली में 25 पहुंचने जाना है, जरा देख के बताइए कि चांद की कौन सी तारीख होगी। आपको दरबार से बर्दाश्त ना हो सका, बिगड़ गए। बोले माना आपको कई बार मैंने कह दिया कि उसके अंदर चिमक के आ गई कि जिसको ऑल इन वन कहा जाए तो गलत ना होगा, इसलिए कि सारे
किया गया, उसे फरामोश कर दिया गया, उसे भूल गए। क्यों? इसलिए कि शायद के दो मिनट मजबूत हो गए कि मजलिस आपने गौर किया कि हर किसी के आप मजलिस सुनते हैं। कुरान कहीं से आगाज होता है, अहादीस नबवी के साथ में गुफ्तगू होती है, वाकयात कुरानी बयान किए जाते हैं, अहादीस नबवी बयान की जाती है। इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती, इसमें कोई दुनियावी बात नहीं होती, इमाम और तफसीर की बातें होती हैं, कुरान की तफसीर की बातें होती हैं, अहादीस नबवी की बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी दुनिया ने कह दिया कि यह अजीब बात है, मजलिसों में मत जाओ, मजलिसों में जाना गलत है। लेकिन उससे पहले दो मिसरे और मजबूत हो रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, मैं शायरी का आदी नहीं हूँ, मजलिस में शेर पढ़ने का भी आदी नहीं हूँ, लेकिन जब शेर इस अंदाज से सामने आ जाए तो फिर पहले बगैर गाने पढ़ने का दिल भी नहीं चाहता। शायर कहता है कि वो 30 पारों का कुरान को हिफ्ज़ कर डाला, वो 30 पारों का कुरान को हिफ्ज़ कर डाला, ये चार हरफों का लफ्ज़े कदीर भूल गए। 30 पारों का कुरान हिफ्ज़ करने वाले चार हरफों का लफ्ज़े कदीर तो लफ्ज़े कदीर भूले नहीं है। सलावत भेजे पर मोहम्मद विलादत के प्रोग्राम भी होते हैं।
अपनी शहादत को ढूंढना, लेकिन है सब के सब अंजाम का। इसलिए चंद जुमले भी दीजिए सर, इसलिए कि सैयद ऐसी मतलूमा कि जब तक जिंदा है उस वक्त तक रखो, और उसके बाद आज ही मतलूमा है। इसकी वजह यह है जी लोग कि जब तक आप हैरान रहें अपने बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा की कौन कौन सी तकलीफ ऐसी थी जिसे आप बर्दाश्त करते हैं। हवाई ने तब्दील भेजना, काले हैरा में जाके नमाज पढ़ना, तुम्हारी इतनी मिलता है कि मुनाफिक नहीं होता करी जानवरों की रोजरी और अनाज लेकर नबी की पुश्त पर रख दिया। यदि बेटी को मालूम होता तो दौड़ के भी जाते थे अपने बाबा की पुश्त को साफ किसी के लिए कितनी तकलीफ। जब देखते थे कि बाबा मुझ वही घर में दाखिल हुए जिसकी बेटी थी, इसलिए कि माँ का इंतजार हो रहा है, नदी के दिल का सहारा यही बेटी बनती थी। देखिए तकलीफ को कहा जब मैं कर रहा था दादा मसाहब पढ़ने के लिए आ गई बेटी के लिए एक बड़ी मुसीबत, और उस पर भी दुर्रैन किया ये था कि जब बाबा को देखती थी कि बहुत ज्यादा मुतमहिन होके बैठे शरण में आए हैं तो तकलीफ तो बहुत होती थी, मगर तकलीफ को बर्दाश्त करती थी, सब्र करती थी, हिसाब नहीं करती, क्योंकि बड़ी मुसीबत है जो कि बाप के सामने अपनी तकलीफ को बयान न करना, इजहार न करना, इतनी बड़ी तकलीफ। इस अंदाज से चला जाता है और अब शादी हो गई, मौलाए कायनात के साथ दुनिया की ऐश्वर्या दूर दूर तक नहीं, और अब जिंदगी शोहर के साथ गुजर गई सादी जिंदगी, उस सीधी सादी जिंदगी में कैसी कैसी दुश्मनियां, ना तो नबी की आंख बंद हो गई, बस अब नबी की आंख बंद होना था। मसाइब इस अंदाज से जनाब ठेकेदार के मसाइब को अगर बयान किया जाए तो यकीन मुसीबत ऐसी है कि अगर इंसान गौर से सुन ले और तफक्कुर कर ले तो उसका कलेजा मुंह को आ जाए। इसलिए कि तमाम